attack The Undertaker. Some would call it an ambush from behind or cowardice, but I feel it's strategy. Why not get And Kane stands his ground, and The Undertaker hard rights, another right hand. ओके दोस्तों, तो रोमन इस WWE स्मैकडाउन के बाद अब नाइट ऑफ चैंपियन में वे एक धमाकेदार मैच का हिस्सा बनने वाला है। और आपको बता दें कि रोमन इस और सोलो सिक्वा मिलकर केलबिल ओमेंस और सैनी जेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले हैं। और दोस्तों, रोमन रेंस और द ब्लड लाइन के केलबिन ओमेंस और सैनी जेंस के साथ काफी समय से दुश्मनी देखने को मिल रहा था और लग रहा था कि शायद रेसलमेनिया 39 के बाद यह स्टोरी लाइन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दोस्तों, होने वाले नाइट ऑफ चैंपियन में रोमन रेंस का 1000 दिन का सेलिब्रेशन खास बन जाएगा और वे चार टाइटल को एक साथ रखकर इतिहास रच देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट रेसलर कौन है।